हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन पैडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पैडागोजी जो कि CTET का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसका मैंने पहला चैप्टर पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना और उसका क्षेत्र आप सभी लोगों को नोट्स बना करके टॉपिक वाइज समझाया था। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। CTET और STATET में यह बहुत ही वैल्यू रखता है, ये पार्ट पर्यावरण अध्ययन का पैडागोजी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिकतर लोगों को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों की भी तैयारी हो जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का भौतिक कारक है पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भौतिक कारक कौन से होते हैं पर्यावरण के। तो दोस्तों, पर्यावरण के जो कारक होते हैं तीन होते हैं, भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारकों में आते हैं जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज चट्टाने, सौर ऊर्जा, धरातल की संरचना, अग्नि, भौगोलिक स्थिति और भौतिकी। और जैविक कारक होते हैं पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और प्राणी। और सांस्कृतिक कारक होते हैं जैसे बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक स्थिति और मनुष्य। तो क्वेश्चन नंबर एक के हिसाब से जो भौतिक कारक हैं वो होगी वायु। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही आंसर है कि भौतिक कारक में कौन से थे, जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के कारक हैं भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक या फिर ये सभी। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इसका आंसर कि पर्यावरण के तीन कारक होते हैं, भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक में कौन से होते हैं, जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, सौर ऊर्जा, धरातल की संरचना, अग्नि इत्यादि। और जैविक कारक कौन से होते हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, प्राणी हैं। और सांस्कृतिक कारक कौन से होते हैं, जैसे कि बस्तियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक स्थिति है और मनुष्य है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर चार क्वेश्चन नंबर दो का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन है, पर्यावरण का जैविक कारक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर से, अब आपको आंसर देना है कि जैविक कारक कौन सा है इसमें से, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, राजनीतिक स्थिति और वायु। तो जैविक कारक है जिसमें कि जीव होता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और प्राणी। तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर एक या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पर्यावरण का जैविक कारक है सूक्ष्म जीव। इसमें से जो मिट्टी है, मिट्टी कैसा कारक है, भौतिक कारक है। राजनीतिक स्थिति है, ये कैसा कारक है, सांस्कृतिक कारक है। वायु कैसा कारक है, भौतिक कारक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। आप लोगों ने पढ़ा था पैडागोजी में, तो बताइए कि EVS एनवायरमेंटल स्टडीज का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। अगर कोई बच्चा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ता है तो बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। EVS के ज्ञान यानी कि पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, या फिर अध्ययन करने से बालक के भविष्य से पर्यावरण अध्ययन का कोई संबंध ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चार, इसका पहला नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, वो है बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान होना, पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। चार का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पांच है, कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक है, भौगोलिक स्थिति, पेड़ पौधे, आर्थिक गतिविधियां और मिट्टी। अब इसमें दोस्तों ध्यान दें थोड़ा सा, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति इसमें अंतर है। राजनीतिक स्थिति होता है सांस्कृतिक कारक और भौगोलिक स्थिति होता है भौतिक कारक। तो पहला ऑप्शन हट गया, पेड़ पौधे जैविक कारक है, मिट्टी भी भौतिक कारक है, तो बचा आर्थिक गतिविधियां, यह है सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर छह है, कौन सी आयु वर्ग के बालक में पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो होती है किंतु उसकी अवधारणाओं को समझने में वह असमर्थ होता है। 5 से 7 वर्ष, 2 से 1 से 2 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी आयु वर्ग का बालक होता है जिसे पर्यावरण वाले होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें उसे उत्सुकता या फिर जिज्ञासा तो होती है
लेकिन वह उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है, समझ नहीं पाता है। तो वो है 5 से 7 वर्ष का बालक, जो कि इतना समझने लगता है कि घटनाएं हो रही हैं तो क्या हो रही हैं, लेकिन उसकी अवधारणाओं को नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी एनसीईआरटी की किताबों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है क्योंकि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। इन चारों में से क्या रीजन है कि जिस वजह से एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक्स हैं पर्यावरण अध्ययन की, जो भी बुक्स हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन को मैक्सिमम प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, चिंतन और विस्मय के लिए, जिससे कि बच्चा उन बुक्स को पढ़ करके थोड़ा सोच सके। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये सब किया गया है, ईवीएस को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 7 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अभी प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो कि प्राथमिक स्तर में इन्वॉल्व है, तो उसकी अच्छी पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, उसके अच्छे सिलेबस में क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या फिर पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वह प्राथमिक स्तर पर जो उसका सिलेबस है उसमें क्या होना चाहिए, इसमें से अगर चारों ऑप्शंस को आप देखें तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न और संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या और पदों की यथार्थ की परिभाषा, ये सभी तो नॉर्मल बुक्स में भी होती हैं और ये अक्सर हर एक बुक में मिलेगा भी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, सिलेबस के या फिर पाठ्यचर्या के माध्यम से ऐसी जो बातें, ऐसे जो अवसर दिए जाते हैं बच्चों को, ये बच्चों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्पेशल टाइप का एक अनुभव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें उसके बाद बताएं। मैंने यह क्वेश्चन कल की क्लास में ऑलरेडी बताया था आपको कि जीव विज्ञान की वह कौन सी ब्रांच है जिसमें जीव और पर्यावरण, इन दोनों के बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर 3, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी बोलते ही उसी को है कि पारिस्थितिकी में जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सभी चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना और क्षेत्र वाले चैप्टर से लिए गए थे, जो कि पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप लोगों को अभी पूरा चैप्टर समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप लोग उस जो नोट्स को एक बार पढ़िए, देखिए, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए, वीडियो को देखिए, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और दोस्तों इसके बाद जो हम अगली वीडियो करेंगे वो अगले चैप्टर पर्यावरण अध्ययन का जो पेडागोजी है उसमें है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में हम थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।